मैं थोड़े सारे चैनल के जरिए सारी पार्टी हमाई हाईकमांड का श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ते नाल ही पंजाब दी सारी हाईकमांड दा साडे दरवेश सियासतदान चरणजीत सिंह चन्नी जी, साडे सीएम साहब, साडे एनसीसी प्रेजिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू जी, साडे बहुत ही दरवेश सियासतदान श्री सुनील जाखड़ जी, साडे हरीश चौधरी जी पंजाब मामलों के इंचार्ज, राजा वडिंग जी मिनिस्टर साहब, सुजिंदर रंधावा जी मिनिस्टर साहब, साडे गुरकीरत कोटली जी MLA लखा पायल तो सारिआं दा, साडे मिनिस्टर साहब सुजिंदर रंधावा जी, सारी ही लीडरशिप का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैनू नवाणी नूं एडा मान दे के इत्थे बचाया, मैनू टिकट नवाजी है। तो नाल ही मैं साडे प्रधान जी बैठे है, साडे सारे MC साहबान बैठे है, सारी मलोड़ दी लोकल लीडरशिप, साडे वर्करां दा, साडे अहुदेदारां दा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैनू एडा मान सम्मान बख्शिया है, तो मैनू टिकट दिती है। तो हुण ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं वध तों वध मेहनत करां ते ये दोबारा मलोड़ दी सीट जित के असी कांग्रेस पार्टी की झोली दे विच पाई। पार्टी ने पहला भी बहुत अच्छे काम किए हैं, नाल ही क्योंकि कुछ काम रह भी जाते होंगे क्योंकि असी भी इंसान है, हौली हौली काम होंगे है, जेडे काम अधूरे रह गए वो पूरे करांगे। इस सड़क तो पंजाब 5 साल जो है कांग्रेस के विधायक रहे, डिप्टी स्पीकर रहे, उन्होंने पिंड गए होंगे, किस तरह की कमियां रही है किस? देखो वैसे तो 3-4 महीनों चाहे सुनील जाखड़ जी है, चरणजीत चन्नी जी है, नवजोत सिंह सिद्धू जी है, इन्हों की पूरी टीम है जिनी भी, इन्होंने इन्ना वधिया काम किया कि कांग्रेस पार्टी नंबर 1 लियाती पंजाब दे विच। सो मैं समझदी जिवें तुसीं मलोड़ दी गल कही है तो असीं इंसान है, कोई कमी रह भी जाती है क्योंकि जे कमी ना हो बंदा रब ही बन जाता है, तो जिहड़ियां रह गईआं वो असीं पूरियां भी करांगे, कुछ काम रह जाते हौली हौली असीं पूरे भी करांगे। देखो दावेदार बहुत सारे होंगे है, हरेक का हक मानता है क्योंकि भारत एक आजाद देश है, साडा हक मानता है कि साडे कोल एक संविधानिक हक है कि कोई भी बंदा अपनी दावेदारी पेश कर सकता है, पर सारे ने यह गल कही सी भी जिन्हों भी टिकट मिलेगी असी सारे वो मगर लग जाएंगे, क्योंकि सब ने एक गल जरूर कही सी कि असी दावेदारी पेश करते हैं पर असी सारे जने कांग्रेस पार्टी के नाल हाँ तो रहेंगे, सारे साडे नाल रल मिल के चलेंगे, तो यह सीट असी दोबारा जितांगे। देखो मुकाबला मैं कोई ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं समझती आम आदमी पार्टी या अकाली दल नूं, क्योंकि जिस हिसाब नाल कांग्रेस पार्टी ने 3 महीनों के काम करके दिखाते ना, असी पिंडां दे विच शहरां दे विच जाने तो लोग कांग्रेस पार्टी का ही नाम लै रहे हैं, तो दोबारा कांग्रेस पार्टी ही आऊगी, तो उन्होंने कामों के अगे अकाली दल तो आम आदमी पार्टी फिक्कियां ही नज़र आदि, ठीक है कंपीटीटर होंगे है, सानू मेहनत भी करनी पेगी, पर मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ थोड़े चैनल के जरिए कि असी इन्नी मेहनत करांगे कि असी उन्होंने पछाड़ देवांगे, तो यह सीट दोबारा कांग्रेस पार्टी की झोली पावांगे। हाँ जी, अगर टिकट का कोई दावेदार जिहड़े कहिंदे जी लोकल प्रत्याशी होना चाहिए, देखो सब तो पहला तो मैं यही कहना चाहूंगी कि साडे देश का संविधान सानू कहिंदा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, असी भारत के लोग, मतलब असी कितों भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो तुसी देखिया होना भारत की राजनीति दे विच बहुत सारे लीडर है जिहड़े किसी होर हल्के तो लड़ते हैं, शायद पार्टियां की कोई स्ट्रैटजी हुंदी है। दूसरी गल, मैं लोकल नहीं है क्योंकि जिवें तुसी मैनू कहा मेरे को भी यह गल आ गई सीगी कि लोकल करके कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो असी पहला ही जिथे अज आप इंटरव्यू कर रहे हैं असी इत्थे घर लै लिया, 2 महीने हो गए सानू लिया नूं, स्टार सिटी दे विच 201 नंबर घर है, असी यह लै चुके हैं ताकि हुण भी कोई लोगों नूं समस्या ना आवे, तो जित के भी असी इत्थे ही रहांगे, परमात्मा ने मेहर की तो इत्थे ही लोगों दीआं समस्यावां सुणांगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।